शुभ संध्या, वेरी गुड इवनिंग। ये है हमारे ऋषिकेश का जानकीपुर और ये माँ गंगा। इसके समीप बैठना और ध्यान करना, इसका एक अपना महत्व है और इतना मन को इतनी शांति मिलती है जिसको एक्सप्लेन करना आसान नहीं। यहाँ पर आए बैठे कल कल बहती माँ गंगा का स्मरण करें, बहुत आनंद आता है। तो ऋषिकेश आए और इस पावन भूमि का सानिध्य प्राप्त करें। गंगा किनारे बैठेंगे तो मन अपने आप शांत हो जाता है, तल्लीन हो जाता है माँ गंगा में। ऋषिकेश एक तपोभूमि, एक धार्मिक नगरी, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। इन घाटों पर लोग बात करते हैं काशी की, बनारस, लेकिन ये जो ऋषिकेश है एक अद्भुत नगरी, माँ गंगा का तट, शुद्ध हवा अपने आप में बहुत कुछ कहती है। बैठें और म्यूजिक का मजा लें। ऋषिकेश एक योग नगरी जिसको पूरा संसार जानता है, योग की राजधानी, द कैपिटल ऑफ योगा। ऋषिकेश एक ऐसा नाम, एक ऐसा शहर जिसमें इंसान आकर जब माँ गंगा को देखता है और भोलेनाथ जहाँ स्वयं विराजमान हों पहाड़ों पे, नीलकंठ महादेव के रूप में, वीरभद्र के रूप में, चंद्रेश्वर महादेव के रूप में, प्राचीन काल से यहाँ पर कितने ही साधु संत महात्मा आए और इस की रज लेकर समाधिस्थ हो गए, ध्यान मग्न हो गए। इस माँ गंगा ने उनको इतना असीम स्नेह दुलार दिया कि इन घाटों पे वो अपने आप को तल्लीन कर गए। माँ गंगा जीवनदायिनी है, अनगिनत पाप करके जब मनुष्य ऋषिकेश आता है और माँ गंगा में डुबकी लगाता है
तो वो मन के सारे मैल धो देता है और अपने आप को समर्पित कर देता है माँ गंगा के आंचल में। यह है हमारा ऋषिकेश, ऋषिकेश का सुंदर सुखमय वातावरण। बिरला ही होगा जो माँ गंगा के तट पे आके उसमें रमता ना हो। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान, समझदार ना समझ जब आते हैं तो डूब जाते हैं माँ गंगा के आंचल में। एक माँ गंगा का आंचल जिसमें पाते हैं हम सुख, शांति और ध्यान। आए, देखें और महसूस करें।